Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Assalamu alaikum. So guys, आज मेरी lab की class थी तो class हमारी ख़त्म हो गई और अभी हम जा रहे हैं mess, जिसको Turkish में यमें खाने कहते हैं. मैंने आप लोग को पहले भी बताया, वैसे अभी हम वहीं पे जा रहे हैं. वैसे तो कभी हमारी class होती है तो हम जाते नहीं, लेकिन आज हमारी classes ख़त्म हो गई है सो अभी हम mess जाएंगे. लेकिन उससे पहले हम जो है वो बैंक से जो है वो पैसे निकलवा रहे, क्योंकि जो हमें अपना स्टूडेंट कार्ड रिचार्ज करना पड़ता है उसी से हमें ये वहाँ से फूड मिलता है, तो वहाँ पे कार्ड नहीं चलता है, वहाँ पे हमें कैश देना पड़ता है. सो अभी हम पहले जा रहे हैं एटीएम से कैश निकलवाने और उसके बाद चलेंगे ये हमें खाने, ताकि हम अपना कार्ड रिचार्ज करवा सकें. सो गाइस, हमारी फैकल्टी और डेंटिस्ट्री की फैकल्टी वहाँ पर है और वहाँ से आओ तो यहाँ पर लोगों ने एटीएम्स बनाए हुए स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए. और दूसरा ये कि वहाँ पे हॉस्पिटल है सो उसके सामने बस स्टॉप्स भी और भी ज़्यादा एटीएम्स है उसके सामने. हमें खाने जा रहे हैं और रास्ते में ये है हॉस्पिटल हमारी फैकल्टी और उसके साथ ये मॉस्क है और उसके बाद ये वे है ये हमें खाने तक जाने के लिए. यहाँ पर जो है वो स्मॉल कोर्ट्स बने हुए, मेरे ख्याल से लॉ फैकल्टी के ये एरिया है. हाँ, लॉ फैकल्टी का ही एरिया है ये. सो इसके बाद जो है वो उस साइड पर जो है वो हमारा मैसेज, हम वहीं पर जा रहे हैं अभी. सो मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो दो मैस है टोटल. एक जो मैंने आप लोग लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि वो स्टूडेंट अफेयर वाली बिल्डिंग जो है उसके पास आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग फैकल्टीज़ है, तो उसके अंदर एक है और एक हमारे इधर एरिया में मेडिसिन फैकल्टी, डेंटिस्ट्री, आर्ट्स एंड साइंस वाली लॉ फैकल्टी के पास है. सो हम इसी में आते हैं और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसकी एंट्रेंस. हम पहुँच गए हैं, ये है एंट्रेंस हमारे मैस की. अभी अंदर जाके मैं आप लोग को दिखाती हूँ. अभी ये 11 o'clock से 1:30 तक खुला था और अभी टाइम हुआ है आई गेस 12:30. सैलून नंबर 1, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर हम प्लेट्स वगैरह और जो फूड होता है डिस्कार्ड करते हैं, हम कार्ड लगाते हैं और फिर एंटर होके यहाँ पर क्यू बनता है पूरा और यहाँ से जो है वो अपना फूड लेते हैं. एक क्यू यहाँ से लगता है और दूसरा क्यू यहाँ से लगता है. ये है सैलून, एक वहाँ पर है सैलून और ऊपर भी है और यहाँ से हम अपने कार्ड से चार्ज करते हैं. कल हम भी चार्ज करते हैं कार्ड से, चलते खाना लेते हैं. हम ब्रेड लेते हैं चाहे जितने भी हम ले लें और उसके बाद यहाँ पर हम एंट्रेंस करते हैं खाने के लिए.
चोरबा और ये है चने वाला सालन और बुलगुर और साथ में पानी। गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ के अपनी यूनिवर्सिटी के सेमिनार में, क्योंकि मुझे पता चला था कि एरास्मस के थ्रू जो है वो फॉरेनर स्टूडेंट्स आए हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर। दैट वाज अकबर। सो आई वाज टेलिंग यू गाइस दैट फॉरेनर स्टूडेंट्स आए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं भी इंफॉर्मेशन लूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सो इस वजह से मैं भी सेमिनार जा रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ, किसी स्टूडेंट से अगर मिल सकूँ, इंफॉर्मेशन ले सकूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बारे में। सो वहाँ पे चल के मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। सो गाइस अभी हम लाइब्रेरी और सेमिनार के सामने, और यहाँ पे इतने प्रिटी रोजेज लगे हुए हैं और बहुत प्यारी जगह लग रही है, ग्रीनरी। वहाँ पर वाइट रोजेज लगे हुए हैं, वहाँ पर पिंक लगे हुए हैं, सो इट्स लुकिंग प्रिटी। गाइस ये हम आ चुके हैं सेमिनार के अंदर, और यहीं पे हमारी वाइट कोट सेरेमनी भी हुई थी, यहाँ पर हमने पिक्स वगैरह ली थी, और वो जो पूरा हॉल है वो उधर अंदर है, तो अभी वहीं पे चलते हैं। गाइस ये हम आ गए हैं यहाँ पर सैलून में बैठ गए, और मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सारे फॉरेनर्स हैं, सो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। विद आवर असिस्टेंट एक्सपर्ट अहमेट चुरेकचोग्लु, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल एजेंसी ऑफ टर्की एंड गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एज़ वेल। द स्क्रीन इज योर्स। Okay, great. Hello everyone. I hope we are full energized after such a nice breakfast. Today I will talk about Erasmus Plus program and our institution. And unfortunately, it will not be such a interesting as Diyarbakır history as, but consider this Erasmus Plus program as an opportunity to come back Diyarbakır. That's the viewpoint could be for you to make it is a this presentation more entertainment. Okay, let's start. I will talk about briefly Turkish National Agency and two type of projects we have: Key Action 1 and Key Action 2. And lastly, I will talk about centralized projects, which I directly applied to Brussels. Let's start with Turkish National Agency. Our institution is governmental body and it is affiliated with Ministry of Foreign Affairs. The long name is the Center for Education and Youth Programs, or shortly Turkish National Agency, is a public body established for implementation of EU education and youth programs in Turkey. The center receives application, evaluates, finance, and audits, monitors of the projects and activities under the Erasmus Plus program. Our center is in Ankara. Turkey participated Erasmus Plus program in 2004. 2003 was preparatory year for Turkey. We started with 65 universities in Turkey in Erasmus Plus program. In 2022, we have proudly 204 universities holding ECE and 47 consortium holding accreditation to participate to Erasmus Plus program. Maybe I can tell a few words about ECE. ECE is a charter for higher education to participate Erasmus Plus program, to give a short information. Okay, let's continue. What is Erasmus Plus? Erasmus Plus is an EU program for education, training, youth, and sport. We have four main titles, and we are in the new program years, and every 6 years it is readjusted and replanned. We are now currently in 2021-2027 annual budget year of the Erasmus Plus program. We are funding programs, projects, and scholarships.
It fosters, Erasmus Plus program fosters EU to EU and EU to international cooperation in these fields, education, training, youth and sport. There are, as I said at the beginning, we have two types of projects. One of them is decentralized and the other one is centralized projects. Our agency is responsible for decentralized projects. Okay, this is the general table for Erasmus Plus program. Key action one, we call it key A1, just very simply, have aims mobility of individuals and such as mobility for higher education students, vocational education, training and students. Other than staff mobility is also possible, in particular to teachers, lecturers, school leaders or youth workers. In addition, Erasmus Mundus joint master degrees offers great opportunities for young students to do their master degrees, volunteering and youth exchanges, Discover EU. In addition to this new program year, we have virtual exchange in a higher education and youth. Key action two is for institutions. Key action one is for individuals. Key action two for institutions. Institutions have, for example, partnerships for cooperation exist for institutions to increase the quality and relevance of their activities. अभी जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो दिखाई वो लोग सब बता रहे थे कि टर्की में इरास्मस के थ्रू कैसे आ सकते हैं यहाँ पर क्या स्टडी करके क्या डिग्री चाहिए होती है उन्होंने वो सब एक्सप्लेन किया और मैं हाफ में आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये हम बैठी हुई है ये हम अभी जो है वो अपने सेमिनार में ही बैठे हुए हैं यहाँ पर सिटिंग एरिया में सो हमारे नेक्स्ट में जो नेक्स्ट जो सेमिनार हॉल है उसके अंदर जो है सॉरी सेमिनार हॉल नहीं सैलून में जो है वो एक थिएटर होने वाला है वो लोग स्टेज ड्रामा करने वाले हैं सो उसके लिए हमने टिकट बुक करवा ली और वो 3 o'clock स्टार्ट होने वाले हैं सो हम उसी का वेट कर रहे हैं और जब वो स्टार्ट होगा फिर मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में थिएटर जाऊंगी स्टेज ड्रामा देखूंगी सो आई एम वेरी एक्साइटेड अमू आर यू एक्साइटेड यस बैठ चुके हैं और ये आमो बैठी हुई ये सारे सो स्टेज ड्रामा शुरू होने वाले यहाँ पे टर्किश लोग इसको थिएटर कहते हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बहुत मज़ा आने वाला है ये हम बैठे हैं और ये है स्टेज पूरा थिएटर स्टार्ट करते हैं मैं आप सबको दिखाती हूँ Ey tanrılar kan yolunu, gösterin zenginlik yolunu, Yunan'ın hali hal değil, selam ver kaptır kolunu. Ey tanrılar kan yolunu, gösterin zenginlik yolunu, Yunan'ın hali hal değil, selam ver kaptır kolunu. Ey tanrılar duyun beni. Çalmadım, çarpmadım, çırpmadım hiç, yalanım varsa eğer. Zeus belamı versin. Ey tanrılar panteonu, gösterin zenginlik yolunu. Siz bir okeyliğinde buluruz biz bir yolunu. Ey tanrılar duyun beni. Ya ara sıra görün beni. Ey tanrılar panteonu, bakınız sattık pantolonu. Gayet açız açıktayız, nitekim sattık pantolonu. Adak madak yok. İstiyorsanız soyun beni. Onlar bunlar panteonu. Sonsuz ümitler balonu. Sizle zarttık kafamızda. Biz bu tapınak olunu. Ey tanrılar duyun beni. Gelirken ekmek getirin. Tanrı'nın kehaneti bunu kastetmiş olamaz aslan.
Onun sözleri çok daha asil bir anlam içeriyordur. Ha, bir bakalım. Bu ihtiyar bize kim olduğunu ve onun yolu neden bizimle geldiğini söylerse Tanrı'nın neyi kastetmiş olduğunu öğrenmiş oluruz. Doğru. İhtiyar, bize kim olduğunu söyleme vakti geldi artık. Hemen şimdi söylüyorsan patlat bir surat hem sana. Hadi! Zeus belanı versin! Ve anladın mı ne dediğini? Yok! Hayır! Yapmayın bunu! Pekala, bize kim veya ne olduğunu söyleyeceksin, öyle değil mi? Ha? Söylemek istiyorum fakat sonrasında başıma neler geleceğini bildiğim için korkuyorum. Kim olduğumu bilirseniz beni rahat bırakmayacaksınız aslında. Ah hayır! Tanrı'nın sana yemin ederim ki eğer ki istediğim buysa seni serbest bırakırız elbette. Peki öyleyse. Çekin ellerinizi. Var olan düzene bir bakalım. İnsanların hayatı, içler acısı bir halde, Tanrılar tarafından terk edilmiş, hoylat ve berbat bir haldeler. Peki ya zengin olanlar kimler? Tabii ki de sahtekarlar. Sadece onların işi haber gider zaten. Ve üstüne üstlük her şey yasa dışı yollardan. आज की वीडियो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की. अभी वो जो स्टेज ड्रामा था वो कंटिन्यू होना था, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सो घर जा रही हूँ. और बहुत मज़ा आया, बहुत फ़नी था और डिफरेंट यूनिवर्सिटी की इन्फो भी मिली सो अच्छा लगा यहाँ पे आके. आई होप सो कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा. मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.